राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नामने कौरतु से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर अनुरागिक सिंधु वात्सल्य सिंधुर अति सांद्र कृपायिक सिंधु लावण्य सिंधुर अमृत छविकेलि सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे रसकेलि सिंधु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद उल्फकार सको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को जथाजु को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल श्रवण कर रहे थे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपना माँ को जैसे कपिलदेव माता देहूति को साधु संघ की महिमा सुनाए थे, महाप्रभु ठीक वैसे ही साधु संघ की महिमा सुना रहे। इसलिए हम गतकल श्रवण कर रहे थे कैसे सतांग प्रसंगात मम वीर संविदौ भवन्ति हित कर्ण रसायन कथा ताज्यो सना आसु अववर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुग्रह। बोले माँ केवल जीवन में तुम एक ही काम करो, मेरे भक्तों का संग करो, मेरे भक्तों के संग में मेरी कथा श्रवण करते 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 अपने आप तुम्हारी चित्त और मन भगवान में लग जाएगी और कुछ भी करने का जरूरत नहीं। इसलिए हम कल ये कथा को श्रवण कर रहे थे। इसलिए कहते श्रीणताम श्री कृष्णम कथा पुण्य श्रवण कीर्तन सता ये कीड़े सब आ जाते और आ जाएंगे साथी अच्छा रहेंगे। हरे कृष्ण। यहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद विभिन्न ग्रंथों से साधु संघ की महिमा कृष्ण कथा की महिमा को श्रवण करा रहे हैं। बोले श्रीणता मुझसे कृष्ण कथा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्तो यवंद्राणी विदुनोति श्रुहीति सतां। यहाँ पर भी कह रहे हैं बोले श्रीणताम श्री कृष्णम कथा। बोले क्या करनी चाहिए जीवन में? बोले भगवान की कथा हमें श्रवण करनी चाहिए। बोले भगवान की कथा कैसे है? बोले पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की कथा सुनने से इससे बड़ा पुण्य सुकृति जगत में कुछ हो है नहीं। इसलिए एक उदाहरण दिया हृदंतस्तो अभद्राणी विधुनति श्रुहीति सतां। जैसे घर में आपका कोई एकांतिक कोई अत्यंत मित्र कोई प्यारे मित्र आए, वहां पर एक कुर्सी पड़ा हुआ है जो कुर्सी गंदा है,
लेकिन अगर आपका ऐकांतिक को कोई मित्र होगा तो महाराज जी कहना ऐकांतिक को कोई मित्र होगा तो वो ये नहीं बोलेगा मित्र तुम ऐठी दे बोले बोले मित्र ऐठी बसा बोले मित्र तुम पहले ये कुर्सी को साफ कर दो फिर मैं बैठूंगा, वो ऐसे नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा, खुद अपना रुमाल को निकाल करके कुर्सी को साफ करके उसमें बैठ जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले सुहृद सता, कल जगत में हमारी जगत में सबसे बड़े हमारे मित्र कौन है, बोले तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्याम द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव कहते। अगर जगत में हमारी कोई सबसे बड़ा कोई मित्र है कहते भगवान है, ये भगवान है। इसलिए भागवत में बताए बोले स्वजनाक्ष दस्यु, संसार में जो लोग है वो सब के सब स्वार्थ का समय पर ये सब के सब अपना दिखता है, लेकिन विपत्ति समय में ये सब के सब एक 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 करके पीछे हो जाते। जैसे जिस समय हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया क्या हुआ, उनको पत्नी भी थे बच्चे भी थे परिवार भी थे, एक 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 करके सबके सब खिसकने लगे, एक एक करके सबके सब खिसक गए, सबके सब भाग गए छोड़ करके। लेकिन अंतिम समय में जब मगरमच्छ पकड़ कर खींचते हुए ले जा रहा था, करते करते जब उसको नाक डूबने लग गया, इतने में उसने एक कमल फूल लेकर के भगवान को अर्पण किया। करते ही कहते जीवन में भगवान को दो बार जल्दी मची है, एक तो द्रौपदी के वस्त्र हरण में और दूसरा जल्दी मची श्री हस्ती को गज को उद्धार करने में। उनने केवल ना रा अभी यण बोला नहीं, केवल दो अक्षर बोला, इतने में भगवान चक्र को खुद, क्योंकि आने में देर हो लग सकता है, इसलिए भगवान ने चक्र को भेज करके उन्होंने मगरमच्छ को काट दिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे अगर जगत में हमारी कोई सबसे बड़ा सुहृद है मित्र है कहते वो कौन है, कहते वो हमारी भगवान है। अगर हमारे हृदय में जो अभद्राणी जो अनर्थ है, अगर हम कथा सुनते हैं तो किधर से कथा सुनते, बोले कानों से कथा सुनते, भगवान ये कानों का माध्यम से ठाकुर जी ये अंदर में जाते हैं, जा करके हैं धीरे 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 जैसे चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम, जैसे भगवान का नाम करने पर चित्तरूपी दर्पण अपने आप साफ हो जाता है, उसी तरह जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं धीरे 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 हमारा हृदय अपने आप पवित्र हो जाता है। अपने आप क्यों, कथा को माध्यम से, वो कथा नहीं, कथा को माध्यम से कृष्ण स्वयं हमारा हृदय में जाकर की कथा सुनते 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 अपने आप उनका प्रति प्रेम हो जाती है। इसलिए रुक्मणी कृष्ण को प्रति लिखती है बोले हे प्रभु आप मेरे को नहीं देखे मैं आपको नहीं देखा, लेकिन केवल नारद से आपकी मैंने कथा सुनी है और आपकी कथा सुनते 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 आप मेरे हृदय में बैठ गए। जैसे अभी कोई कृष्ण को देखे हो बताओ, किसने किसने कृष्ण को देखा है, है? कोई कोई भी कृष्ण को दर्शन नहीं किए, लेकिन ये कथा ऐसे की चीज है, कथा ऐसे की चीज है, कभी ये कथा सुनते 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 क्या हुआ, बस घर बार छुड़ा दिया, अपना पत्नी परिवार भाई बंधु केवल कृष्ण कथा सुनते 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 सबको छोड़ दिया हम लोग। इसलिए गोपियां कहती खबरदार ये साधुओं के चक्कर में मत पड़ा करो, ये साधुओं की इनकी चक्कर में मत पड़ा करो है। इसलिए ये बगल में पोथी दबा करके भागवत को दबा करके देखो हम कथा सुनाएंगे हैं, फ्री में कथा सुनाएंगे, आओ कथा सुनाओ। बात सुनाते 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 क्या करते हैं, खुद का जैसे घर मकान दुकान कुछ है नहीं है, नहीं है, बस कथा सुनाते 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 सब पागल बना देते हैं और पागल बना करके घर बार छुड़ा देते हैं। बिहंगा चरती जैसे पक्षी है एक वृक्ष से दूसरे दूसरे से तीसरे, ऐसे ही यहाँ से वहाँ उधर से उधर उधर से उधर
ऐसे ऐसे ही घूमते रहते हैं। इसलिए कहते भगवान की कथा में ही ऐसे जादू है, है? इसलिए रुक्मिणी कहती है प्रभु केवल तुम्हारी कथा सुनते 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 तुम्हारी प्रति हमारी मन एकदम लग गया, चित्त ऐसे लग गया, इसलिए अगर मैं शादी करूंगी तो केवल आपसे ही शादी करूंगी और किसी से मैं शादी नहीं करूंगी। इसी जगत में पति कहने का लाइफ कोई है ही नहीं। पति मतलब क्या होता है? पाप मतलब होता है पालन करना, और ती मतलब होता है संसार से जो हमें त्राण कर दे, उधार कर दे। इसलिए कहते वो पति, ऐसे पति कौन है जगत में जो कि पालन करने वाले कौन और त्राण करने वाले कौन है? भगवान ही हमें पालन करने वाले वही है और संसार से उधार करने वाले भी वही है। इसलिए रुक्मिणी कहती है ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी गोपाल जूसो जो चुड़ल अमर रह जाए। इसलिए रुक्मिणी कहती है इस जगत में जो स्त्रियां जिसको पति बोलते हैं, किस चीज को पति बोलते हैं? ये शरीर को, इस शरीर को पति बोलते हैं, लेकिन अंदर में क्या है? हड्डी मांस पीक खून है और कुछ है ही नहीं शरीर के अंदर में। टाटी पेशाब केवल इस यही है शरीर में, लेकिन ऊपर में एक चमड़े से ढका हुआ है, चमड़ा से ढका हुआ है, इसलिए इतना सुंदर लगता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्षिति जल पा ना समीरा पंचर चित यह अधा शरीरा क्षिति जल पा ना समीरा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये शरीर पांच चीज से बनी हुई है, मिट्टी वायु आकाश जल और अग्नि, इसलिए पांच चीज से बनी हुई, इसलिए ये अधम शरीर है। सबर देखो मुंह से भी बदबू, आंख से भी बदबू, नाक से भी बदबू है और नीचे से बदबू बदबू, नीचे से भी बदबू बदबू, गंदी चीज निकलती है। इसलिए आप ब्यूटी पार्लर में जाओ बड़े सुंदर रूप में है अपना शरीर को सजा दो, केवल 5-10 मिनट केवल सूर्य का किरण उतरा गरीब में चले जाओ, देखना शरीर कहते रोम रोम से है, रोम रोम से ही बदबू निकली। इसलिए रुक्मिणी कहते हुए प्रभु है इसी जगत में कोई पति बनने का लायक है ही नहीं, ये टाटी पेशाब खून पी के शरीर को ही पति मानते हैं, लेकिन आप कैसे हो? सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि है तभी आप तो सत चीत और आनंद, ये तीनों चीज से आपका शरीर बना हुआ। नव किशोर नटवर, हर समय जो नव किशोर है कभी बूढ़े नहीं होते, एकदम किशोर अवस्था जिनकी है, हैं? इसलिए कहते कृष्ण श्रृणताम श्री कृष्णम कथा, इसलिए रुक्मिणी कहती है प्रभु तुम्हारी कथा सुनते 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 तुम्हारी चरण में मेरा प्रीति हो गया, मन लग गया, इसलिए आप मेरे को उद्धार करो। अगर मेरे को आप उद्धार नहीं करोगे जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा ये शरीर तो मैं छोड़ती रहूंगी, लेकिन ये जगत में और किसी को मैं पति रूप में ग्रहण नहीं कर सकती हूँ, पति तो केवल आप ही हो, हैं? आप ही हो पति। इसलिए हुई कैसे इसे? बोले श्रीनता श्री कृष्ण कथा, केवल उसकी कथा सुनते 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 है, इसलिए पुण्य श्रवण कीर्तन उनकी कथा की बड़ी महिमा है। देखो इसी जगत में कथा की कितनी महिमा है, कथा की कितनी महिमा है। अगर पिताजी शराब पीता है, पिताजी शराब पीता है, शराब अच्छा ना गंदा है? बोला गंदा है। अगर पिता अगर शराब पीता है लेकिन वो कभी भी अपना बेटे को नहीं बोलेगा बेटा तू पी, कभी बोलेगा? बोलेगा कभी? बोले बेटा ये शराब पी पी कर मेरा जीवन बर्बाद हो गया, इसे तू इसकी चक्कर में मत पड़ा करो, हैं? इसकी चक्कर में मत पड़ा करो, तो कभी जिंदगी में शराब मत पिया करो। लेकिन ये भागवत कथा को आसव, इसको आसव बताया, ये कथा एक तरह का शराब है, लेकिन जगत का जो शराब है ना रात को पी लो सवेरे नशा उतर जाती है, लेकिन कृष्ण कथा रूपी शराब को पी लो ना
ये नशा कभी उतरती नहीं, ये नशा बढ़ती रहती है, नशा बढ़ती रहती है, हैं? अगर पिता अगर पी लिया ना, वो बेटे को बोलेगा बेटा तो एक बार तू पी करके देख, तो पी करके देख इसमें कितने आनंद, एक बार तो पी करके देख, हैं? अगर बेटा अगर पी लिया ना, पिताजी को बोले पिताजी एक बार आप भी चलो पी करके आओ, हैं? आप भी चलो पी करके आओ, देखो उसमें कितने आनंद है। अगर पत्नी ने अगर कभी पी ली, पति को भी बोलेगा आप भी एक बार पी करके देखो, आप भी एक बार पी करके देखो उसमें कितने मस्ती है। अगर पति अगर पी लिया तो पत्नी को बोलती है तू भी चल, हैं? फिर भी पी करके देखा उसमें बड़ा स्वाद, तू भी चल, तू भी एक बार पी करके देखो। अगर कोई पिएगा नहीं ना, फिर वो क्या करेगा, क्या करेगा, हाँ? अगर कोई पिएगा नहीं क्या करेगा, फिर वो पकड़ से पैसा खर्चा करेगा ना, पकड़ से पैसा खर्चा करके फिर दुनिया को पिलाने के लिए कोशिश करेगा। जो लोग भागवत कथा करवाते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी विदेश जाते हैं कथा, विदेश जाते हैं कितने दूर जाते हैं कथा करने के लिए, और उन लोग कितना पैसा जिंदगी भर जो पैसा कमाता है महीना में, वो पैसा को खर्चा करके, वो पैसा को खर्चा करके लोगों को बुलाता है, अपना हाथ से प्रसाद दिलाता है, घर भाड़ा किराया लेते हैं, घर को किराए लेते हैं, कितने हैं, कितने लाख रुपया खर्चा करता है, और अपना हाथ से पैसा खर्चा करके कहते भैया हम भी पी करके देखा इसमें कितना आनंद है, इसलिए सबको दुनिया को बुला बुला कर भैया तू भी पी करके देख, हैं? तू भी पी करके देख कितना आनंद है। इस जगत में अगर कोई शराब पी ले ना, वो भी कोशिश करता है मेरा दल बन जाए, हैं? क्योंकि जितना दल बनेगा उसका उसका उतना आनंद होगा। इसलिए कृष्ण कथा रूपी जो शराब जो पिएगा वो भी कोशिश करता है हमारे दल भी बड़ा हो। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु हैं, जो जो पंडित निमाए, जब उन्होंने कृष्ण प्रेम में दिन रात रोने लग गए, कृष्ण भक्ति में सराबर हो गए, श्रीवास पंडित क्या कहते हैं, बोले गोष्ठ वर्धता, भैया हमारी दल बढ़नी चाहिए, हमारी दल भी बढ़नी चाहिए। सब अपना दल बड़ा बनाते हैं, हम भी अपना दल को हम भी बनाएंगे, हैं? हम भी बनाएंगे। इसलिए यहाँ कह रहे बोले श्रीनताम श्री कृष्णम कथा, इसलिए भगवान कहते बोले माँ कृष्ण कथा को सुन, पुण्य श्रवण कीर्तन, जगत में इससे कल्याणदायी जगत में कुछ भी नहीं, जगत में अगर सबसे ज्यादा कोई कल्याणदायी कृष्ण कथा को सुनना है। इसको क्या होगा बोले हृदंतस्तो जवद्राणी विदुनती श्रुहित सताम, है? जैसे एक प्रिय मित्र घर में आकर के कुर्सी में अगर धूल जमा हुआ स्वयं अपना कपड़े से साफ करके बैठ जाता है, भगवान भी कथा कृष्ण की कथा सुनते 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 जब दोनों को कान के माध्यम से वो अंदर में जाते हैं ना, हमारी अंदर में जो अभद्राणी जो अनर्थ है भगवान साफ करके हृदय में एक दिन ठाकुर जी अपना आसन जमा लेते हैं, फिर भगवान हृदय से नहीं निकल सकते हैं। कहती है सुनने का तो इतना फल, लेकिन सुनने का इच्छा करने पर क्या फल है, बोलो क्या श्लोक है, अभी कथा नहीं सुना, सुनने की इच्छा की, हाँ बाबा सब पंडित हो गए, सत्य हृदय अवरुद्ध तत्कणा है, इसलिए केवल सुनने की इच्छा हो गई, भागवत कथा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है, हैं? हाँ इसलिए मैं कथा सुनने जाऊंगा, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगी, बस इतने केवल इच्छा हो गया, इतने इच्छा होते क्या होता है, सत्य हृदय अवरुद्ध थे। जैसे एक व्यक्ति घर में घुस करके क्या करता है, जैसे अपने आप को कुंडी लगा करके बंद कर देता है, उसी तरह जो केवल सुनने की इच्छा करता है, इच्छा मात्र से ही भगवान उसका हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान हृदय से निकल नहीं पाते केवल सुनने की इच्छा रखने पर। और सचमुच से अगर कोई आकर कथा सुनने लग जाए, कथा में आकर बैठ जाए, कहते उसका महिमा तो बता ही नहीं सकते। इसलिए बोले श्रुत अनुपठित ध्यात, ये श्लोक किसको याद है, किसको याद नहीं, याद नहीं, श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत व अनुमति, श्लोक याद कर लेना है। ये कृष्ण भगवान की कथा केवल सुनने की इच्छा वालों का कितने महिमा है। इसलिए श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत व अनुमोदित सत्य पुनाधि सद्धर्मम
जानते विश्व द्रोह भी। ये श्लोक में कह रहे हैं ये भगवान की कथा की कितने महिमा। बोले श्रुत, श्रुत मतलब अगर कोई कथा को सुनता है, अगर वो कथा सुन नहीं पाता है बोले अनुपठित, अगर कोई पठन पाठन करता है पढ़ता है, अगर इतना भी नहीं हो, अगर कथा कहीं हो रही है, हैं कथा कहीं हो रही है बोले आदरित व अनुमोदित, अगर आदर नहीं तो अनुमोदन कर दे कथा हो रही है, ठाकुर जी कथा हो रही है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, कथा होनी चाहिए है कथा। अगर इतना कोई अगर अनुमोदन कर देना करने का साथ साथ बोले सत्य हृदय कत उसी समय में सत्य पुनाति सद्धर्मम, उसी समय में सत्य पुनाति उस समय ही वो व्यक्ति पवित्र बन जाते हैं। द्रोह क्या हुआ विश्वद्रोह आदृतवान है, इसलिए न स्खलेत न पतेत, कभी भी व्यक्ति जगत में कभी वो व्यक्ति कभी गिरता नहीं, कभी नहीं गिरता है भक्ति जगत में। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भले माँ बड़ी श्रवण करो, तथा श्रवण करते 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 अपने आप तुम्हारी जो मन है अपने आप भगवान के चरण में लग जाएगी। इसलिए इतना प्रभुपाद ने इतना सारे श्लोकों को उन्होंने यहाँ पर उद्धृत करते हुए बताया। इसलिए कुछ दिन बाद में ना सबको घूम फिर करके नंबर आएगा तमर ये टाइगला परे, ये होने के बाद फिर तुम्हें तो अब साधु संघ की महिमा बोलना है। इसलिए सब यहाँ से सारे श्लोकों को यहाँ सब कोटेशन कर देना, यहाँ सारे श्लोकों को तुम्हें कोटेशन कर जाओ है, काली किसी का ही हो। इसलिए तुम लोग सब लोग ना यहाँ से सब लोगों को इसलिए सब घुमा फिरा कर अभी इनका नंबर, इनका नंबर और इनका नंबर और कौन कौन बड़े बड़े हैं सबका नंबर आएगा, एक एक करके सबका नंबर आएगा। ठीक है बोले श्री वृंद साधु संघ की। इसलिए और एक कथा सुन लो, बहुत बढ़िया अच्छी कथा सुन लो, जिस कथा को श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, जिसको जीव गोस्वामी कहते हैं, ये साधु संघ के कितने महिमा। ये कथा को नोट कर लो, बढ़िया कथा है। कहते ये एक समय भगवान कृष्ण ने सारे ग्रंथ को उन्होंने नौता दिया, सारे ग्रंथ को उन्होंने बुलाया, बुला करके उनसे प्रश्न भगवान करते हैं बोले ये बताओ भगवत भक्ति प्राप्ति करने का सबसे सरल उपाय क्या है, सबसे सरल क्या उपाय है जीव भगवत प्राप्त कर सकता है, भक्ति और भगवत प्राप्त कर सकता है सबसे सरल उपाय क्या, और भक्ति का डेफिनेशन है बताओ। भगवान एक एक करके शास्त्र को खड़े करते हैं, बोले बे तुम बताओ बताओ भक्ति जल्दी से जल्दी मिलेगा कैसे, भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है और भक्ति का डेफिनेशन है क्या बताओ। अभी खड़े होकर के वेद खड़ा हो गया, खड़े होकर के बड़े बड़े सूत्रों को तत् विष्णु परम पदम सदा पश्यती सुरय, इसलिए देवता लोग अपना ध्यान को धरा, हर समय भगवान की चरण कमल को दर्शन करते, वेद का सारे मंत्र को उन्होंने एक एक करके उच्चारण करने लग गया है, इसलिए एक एक करके उन्होंने उच्चारण करने लग गया। जब उन्होंने बहुत कुछ बात बताए भगवान ने ये कथा को सुन करके बोले हाँ तूने बहुत अच्छी बात बताया है, लेकिन मैं जो प्रश्न कर दिया था हैं ये प्रश्न का सही उत्तर मेरे को नहीं मिला, तो बैठ जा। फिर उन्होंने उपनिषद को बुलाया, बोले तुम खड़े हो जाओ बताओ भक्ति प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, भगवान कैसे जल्दी जल्दी मिलेगी, भक्ति का डेफिनेशन है बताओ। वो भी खड़े होकर के सा परानुरक्ति ईश्वरे अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, इसलिए उद्धव नारद ने जैसे उन्होंने भगवान को जैसे भक्ति किया हमें जीवन में ऐसे भक्ति करनी चाहिए हैं, इसलिए उन्होंने भी भक्ति की बड़ी बड़ी डेफिनेशन उन्होंने डेफिनेशन भक्ति की बताए हैं।
जब डेफिनेशन बताए भगवान ने सुने, सुन करके बोले हाँ तुम भी बहुत कुछ बात बताया, लेकिन मेरे प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो तो सही उत्तर नहीं मिला है, तुम बैठ जाओ। अभी उन्होंने ब्रह्म सूत्र को खड़े कर दी, बोले बताओ तुम बताओ, ब्रह्म सूत्र भी बताए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है। इसलिए जीव तो सुख को ढूंढता है, लेकिन जहाँ ढूंढनी चाहिए वहाँ नहीं ढूंढ करके वो गलत जगह पर सुख ढूंढता है, इसलिए उसको सुख नहीं मिलता है। इसलिए अनावृत शब्दात अनावृत शब्दात, इसलिए हर समय क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो हरे राम 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 हरे हरे। इसने भी उन्होंने बड़े सूत्र की, इसलिए जन्मादस्य जतो अन्यादितरतस्य है, उन्होंने भी बड़े बड़े सूत्र, उन्होंने ब्रह्म सूत्र को उन्होंने बोले एक लग नहीं, ब्रह्म सूत्र को उन्होंने बड़े बड़े ब्रह्म सूत्र को उन्होंने बोले, जब बोले तब भगवान ने कहा तुम भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, बढ़िया। अभी सब शास्त्र सोच रहे हैं भगवान हमें चुप करा रहे हैं, भगवान हमारे प्रश्न का उत्तर में कोई खुश नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर जितने पुराण थे सब पुराण को उन्होंने बताए, बताओ तुम लोगों का क्या विचार है, जितने सारे पुराण भी खड़े होकर के हैं, वर्णाश्रम आचार्य बता पुरुषेन परभुमान विष्णु आराध्यते पंथा नन्न तत्र सकारण। इसलिए कहते भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है अपना वर्ण और अपना आश्रम का धर्म को पालन करनी चाहिए। और उन्होंने बड़े बड़े श्लोकों को उन्होंने उद्धृत करते हुए उन्होंने बड़े बड़े श्लोकों को बताए, भगवान ने कहा देखो तुम भी बहुत अच्छी बात बताए, लेकिन मेरी प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला, तुम भी बैठ जाओ। अभी कौन रह गया, अभी रह गया महाभारत रह गया। अब महाभारत में भगवत गीता रह गई, महाभारत को खड़े किए, बोले भैया तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है। अभी महाभारत भी खड़ा हो गया, अभी खड़ा होकर के गीता में है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो वक्षयिष्यामि माम शुचम्। भगवान क्या कहते, सारे धर्मों को छोड़ करके केवल मेरे शरण में आ जाओ। इसलिए मनमना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कार। इसलिए क्या करो, मन को केवल मुझे दो, भक्त बनना तो मेरा ही भक्त बनो, पूजा करना तो मेरा और प्रणाम करना तो मेरे को ही प्रणाम करो। उन्होंने भी बड़ी बड़ी बात बताई है, इसलिए सर्वत क्या बताए, जत करोसी जत स्नासी जत जोहसी ददासी जत जत तपस्यसी कौन्तेय तद्गुरु समर्पण। इसलिए हे अर्जुन तुम जो कुछ करते हो, खाते हो पीते हो सोते हो अर्पण करते हो, वो सब के सब क्या करते हो, मेरे लिए करो। इसलिए यज्ञार्थात कर्म न अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारित। इसलिए भगवान को छोड़ करके अगर जो भी कोई कर्म करते हो केवल कर्म बंधन और कुछ उसमें है नहीं। उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, भगवान ने कहा भैया तुम भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, लेकिन मेरा मनोप्लुत जो जो मैं सुनना चाहता वो तुमने बोला बोला ही नहीं। अभी सारे शास्त्र तो दुखी हो गए, भगवान हमें रिजेक्ट कर दिया, हमारे प्रश्न में कोई उत्तर में कोई खुश नहीं हो रहे भगवान जी। इसलिए केवल एक ग्रंथ बच गया, कौन सा ग्रंथ, कहते केवल भागवत ग्रंथ बच गया है। अभी सबके सब ये भागवत को मुंह को देख रहे हैं, ये क्या बोलेगा। भगवान भागवत को खड़े किए, बोले बताओ तुम्हारा क्या उत्तर है। भागवत ने खड़े होकर उन्होंने दो श्लोकों को बोला, पहला श्लोक है प्रहलाद महाराज को, उनको पिताजी ने जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जो प्रश्न पूछा है, बताओ है तुम ये बताओ तुम्हारी जो मति है ये भगवान के चरण में कैसे मति बन गई, क्या ये संडा अमरक ने तुम्हारी मति बना दिया है, नहीं ये कुछ नहीं जानते हैं। तब उस समय में अब ये संडा अमरक इतने बड़े विद्वान हैं,
इतने बड़े गुरु जी है, हैं, ये क्या धर्म तत्व को नहीं जानते? धर्म तत्व को, और तुम जो बोलते हो वही सच्चा सत्य है, ये क्या झूठ बोलते हैं? तब उन्होंने बताया, नैसान मति स्थावत गुरु क्रमांग्री स्पिशार्थ अनर्थ अपगमम जदर्थ। उसके बाद में मही असाम निष्किंचना नाम न ब्रंड जावत। हाँ, कहते पिताजी तब तक ये मति भगवान के चरण में नहीं लग सकती है। बोले कब तक है? बोले जब तक कि किसी निष्किंचन किसी भक्तों के चरण में तो आप शरणागत नहीं होते हैं। इसलिए अगर ये मति को भगवत चरण में लगाना चाहते हो क्या करो? निष्किंचन, निष्किंचन मतलब ये दुनिया की कोई वस्तु को जो नहीं चाहते, केवल कृष्ण प्रेम को जो चाहते, कृष्ण धन में जो धनी, कृष्ण भक्ति में जो धनी, ऐसे जब तक किसी साधु के चरण में शरणागत नहीं होते हो तब तक ये मति भगवान के चरण में लगने वाले नहीं। उन्होंने दूसरा श्लोक क्या बोले? रहु गणे न तपस्या न जाति न तपस्या न निर्भावना गृहत्वा नैव छंदास छंदसि नैव जलाग्नि बिना महत पदो रज अभिषेकम। कहते जब तक किसी महान पुरुष चरण में हम शरणागत नहीं होते हैं क्या है? बोले नैसांग मति स्थावत उरुक्रम नहीं। क्या? रहुगणे न तपस्या, बोले तपस्या के द्वारा भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते। न जाति, किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगा है, इसलिए न इजय पूजा पाठ से नहीं होगा है। कहते नैव छंदासी छंदसी, वेद पढ़ने से नहीं होगा। नैव जलाग्नि, जल अग्नि के दिन वाला पूजा कर रहे हैं उससे भी नहीं होगा। कैसे होगा? कैसे? बिना महत पदो रजो विषय कम, जब तक किसी महान व्यक्ति के चरण में हम शरणागत नहीं होते हैं तब तक नहीं होगा। बस भगवान सुनकर खुश हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मैं यही सुनना चाह रहा था। इसलिए भक्ति तो भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्ति केवल भगवान के भक्तों के संग से ही प्राप्त होता है, हैं? और कोई उपाय है नहीं। भगवान खुश हो गए, इसलिए इसलिए भक्तों की इतने महिमा है। इतना अनुभ्रजा में हम नित्य अंग पुएत अंग रेणु भी, कहते साधारण जीव की बात छोड़ दो, भगवान को अगर भक्ति पाने का इच्छा तो भगवान क्या करते हैं? भक्तों के पीछे 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 भगवान चलते हैं, इनका चरण धोले उड़ करके मेरे सर पर गिरे और हमारा जीवन धन्य हो जाए हैं। इसलिए कहते श्री जीव गोस्वामी है, ये बात को श्री जीव गोस्वामी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान अपना माँ को ये बात करे, मेरे माँ जब तक किसी तुम शुद्ध भक्तों का संग नहीं करोगे, हरि कथा नहीं सुनोगे, जो भी कर लो कुछ होने वाले नहीं है, होने वाले नहीं। कहते यही मत मने सबे करे न विचार, सुखमय चित प्रीति हई लसवार, खंडिल भक्त दुख पासंडी नाश, महाप्रभु विश्वंभर हैया प्रकाश। यहाँ पर कह रहे हैं जब उन्होंने इस बात को सुने ना भक्त लोगों ने, हैं, महाप्रभु का भक्त लोग सब प्रसन्न हो गए, वाह कितने सुंदर कथा है, हाँ कितने प्यारी कथा है, सब क्या हृदय सुख हो गया। शिक्षा देते हैं, देखो अगर जीवन में कभी शांति सुख मिलेगा ना, कब मिलेगा? कैसे? ये दुनियादारी कथा से शांति सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, भगवान का नाम भगवान की भक्ति में ही हर समय एक नई 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 आनंद केवल भक्तों की संग से ही भगवान की कथा कीर्तन से मिलता है। लेकिन जगत का जो आनंद है क्या होता है? वो कभी बढ़ती नहीं घटती है, ये बढ़ती नहीं ये घटती है, हैं? पहले पहले तो बड़ी अच्छी लगती है, कोई बढ़िया से कोई सिनेमा आ जाए, एक बार देख लिया कैसे, बोले बहुत अच्छी है, दो बार देख ले बोले हाँ ठीक है, बोले तीसरा बार बोले ठीक ठाक, बोले चौथा बार नहीं और नहीं, अगर चौथा बार चला गया ना पंचम बार कभी उस तरफ में झांकेगा नहीं, हैं? उस तरफ में झांकेगा नहीं। कोई भी चीज जगत में हो, कोई बढ़िया जब नए कपड़ा पहनते ना बोले कितना सुंदर है, लेकिन वही कपड़ा पहनते पहनते फिर नया घर बनाओ, नया गाड़ी लो, हैं, नया बीबी लो, हैं, बीबी लो, पहले पत्नी कैसी लगती है? बोले ये चंद्रमुखी, एक चंद्र आकाश में एक चंद्र हमारे पास में, हैं, वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में क्या मिल जा बन जाती है,
सूर्यमुखी, फिर तो बाद में ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई झगड़ा, फिर तो आई लव यू आई लीव यू आई फिर की लीव, फिर जाकर के कोर्ट में जाकर के है वहां पर कोर्ट में जाकर कचहरी में जाकर के डाइवोर्स के लिए वहां पर जाकर नंबर लगाना शुरू करते हैं डाइवोर्स के लिए है। इसलिए एक रसगुल्ला खाओ, बोले कैसे, बोले बहुत मीठा है, और एक बोले कैसे हाँ बट मीठा है, बोले तीसरा खाओ, बोले हाँ ठीक, बोले चौथा हाँ ठीक नहीं नहीं, बोले चले पांचवा, बोले किस तरह चल, अगर छठवा खा लिया ना उल्टी हो जाए क्या होगा, बेटा खो गया, बेटा खो गया है, बेटा कहाँ, बेटा पागल हो जाता है, बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया, हाँ बेटा खो गया, जब तीन चार दिन बाद मिले ना पास गोद मिले, तू कहाँ चला गया था, तू कहाँ चला गया था, तू कहाँ चला गया मेरे बेटा, पास दो चिन्ह बार उसको आलिंगन करेगा, ले जा तू खेल, तू जा खेल है। इसलिए इस जगत में जो हर चीज है ना, कोई भी चीज कभी ये परमानेंट के लिए आनंद देने वाले नहीं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन जो भक्ति जो भजन है, जैसे देखो हम रोज रोज क्या गाते हैं, संसार दाबा नळली ढलो प्राणाय करुणा घना घना तो प्राप्त सतायण गो नार नवास बंदे गुरसी चरणाय। रोज गाते हैं ना, रोज सवेरे एक बार होते ही गाते हैं, एक बार नहीं रोज दिन में दो तीन बार गाते हैं, फिर जब गुरु जी की फिर बैठते कीर्तन करने के लिए फिर उसको दो बार गाते हैं, फिर जब शाम को बैठते फिर गाते हैं, हैं शाम को बैठ गाते हैं, लेकिन जब जब गाओ ना विरक्ति लगती है। ठाकुर जी को जैसे सवेरे मंगला आरती में देखा कि नहीं, ठाकुर जी को कौन कौन देखा, दर्शन किया था, सब दर्शन किया था ना, फिर दोपहर में जो आरती भी देखा, फिर जब देखते हो फिर दर्शन किया कि नहीं है, लेकिन जब जब ठाकुर को देखते हैं ठाकुर जी को भी पुराने लगते हैं, ठाकुर जी को भी पुराने लगते हैं, कभी ठाकुर को भी पुराने नहीं लगते, जब जब ठाकुर जी को देखो ना तब तक लगता है यार क्या सुंदर ठाकुर का श्रृंगार किया है, हाँ किसने श्रृंगार किया है, हाँ किसने श्रृंगार किया, किसने श्रृंगार किया, हाँ तमाल कृष्ण प्रभु राधा रमण। इसलिए इसलिए ठाकुर जी को जब जब देखो तब तक ठाकुर जी नए नए लगते हैं, हैं नए नए लगते हैं, तब तक ठाकुर जी का भी पुराण, ठाकुर का भक्ति कभी पुराण नहीं होती। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हैं इसलिए यहाँ पर कह रहे भगवान की जो भक्ति, हर समय भगवान भजन में आनंद आनंद रस ही रस है, हैं इसलिए भक्ति कभी घटती नहीं। इसलिए बोले प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, हर समय में भक्ति नहीं 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 आनंद प्रदान करने वाले। इसलिए अभी श्रीमान महाप्रभु जब आए, अभी जितने महाप्रभु का भक्त लोग क्या कर रहे हैं, अभी पाषंडियों को ना दमन करेंगे, ये जितने उत्पाद करने वाले हमको चिढ़ाते हैं ना, क्या सब तिलक गला में कंठी लगा लिए, लेकिन निमाई पंडित अभी क्या बन गया, अभी हमारे दल में आ गया, दल है अभी हमारे दल में आ गया ना, क्यों निमाय पंडित कौन था, पंडित था, विद्वान था, बड़े बड़े विद्वान की छका छुड़ा दिए हैं जगत में, नामी व्यक्ति, अगर कोई नामी व्यक्ति अगर हमारे दल में आ जाए ना, छाती फूल जाती है, अभी देखेंगे ये दुष्ट लोग हमें उल्टा पुल्टा बोलते थे, अभी निमाय पंडित वैष्णव हो गया, कहते अभी सारे पाषंड को घमंड को अभी चकनाचूर कर देंगे। इसलिए सारे भक्त लोग बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री सचिन नंदन गौर हरि की, बोले श्री मन नित्यानंद प्रभु की, निधाई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माइक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
समाग गौर और प्रभात लग जाए गौर परमानंद हरि हरि।